अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है दोस्तों? सब ठीक हैं? अक्सर दोस्त मुझे कहते रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है और इधर यूके में भी, कि आप जो व्लॉग है वो भी बना लिया करें और रुक के बनाया करें। तो खैर, कभी चलना भी पड़ जाता है और कभी रुक के भी बनाता रहता हूँ आपके लिए मुख्तलिफ जो वीडियोज़ हैं। आज मेरा टिकटॉक पे और यूट्यूब पे ये पहला कह लें कि व्लॉग है, कोशिश तो की है, वीडियो तो मैं बनाता रहता हूँ, चले आज आपको मैं एक व्लॉग भी जो है ना वो बना के दिखाऊं। ये कि बारिश तो थम चुकी है, क्योंकि कुछ लोग मेरी तरह इस तरह हल्की भी रेन हो पाकिस्तान या ब्रिटिश लेके निकलते हैं, ये ब्रोली अम्ब्रेला ब्रोली भी कहते हैं इसको, और बूट भी जो है ऊपर कर लेते हैं। तो खैर, बारिश अब थम चुकी है, बहुत थोड़ी थोड़ी हो रही है। इससे पहले कि कोई अच्छी सी चीज़ मैं आपको व्लॉग में दिखाऊँ, तो अपनी मैं ये आई वॉन्ट टू क्लोज माई ब्रोली, इसको प्लीज़ वेट प्लीज़। तो ये हो गया जी बंद, इसको थोड़ा सा और करके तो फिर जो है ना आगे चलते हैं। आज का जो कह लें कि ब्लॉग है वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको मैं दिखाता हूँ कि ये थोड़ा सा पीछे आता हूँ, ये देखिएगा, ये मे भी फुटपाथ पे हूँ, तो ये थोड़ा सा देखिएगा, ये जो हमारा यहाँ पे एक पेडेस्ट्रियन के लिए वे होता है जब लोग चलते हैं, तो इस पर अपने इशारा जो है वो खुलने पर चलते हैं जो पैदल हैं। खैर, बाकी लोग तो चलते, जिससे भी देखें कि ये ट्रैफिक चल पड़ी है। अब मैं जाऊंगा कि हमने जो खासतौर पर नए आते अक्सर भूल जाते हैं और तेज़ी से हम गुजर जाते हैं, इस पर हमने दबाना होता है, पहले इसको दबाएंगे। तो ये अब मैं वेट करूंगा, देखें यहाँ से गुजरने, जैसे ये मेरा सामने भी आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, वो रेड है, अगर ये ग्रीन होगा तो मैं चलूँगा, ठीक है जी। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ, इधर से भी नज़र आ सकते हैं कि ये मेरा जो पेडेस्ट्रियन सिग्नल है, ये देख सकते हैं कि आप रेड है, ठीक है जी। तो जैसे ही ये ग्रीन होगा तो मैं चल पड़ूंगा। कुछ लोग हमारे एशियंस गलती कर जाते हैं, लेकिन जो ब्रिटिश हैं वो 98% अपने इशारे को ग्रीन होने के बाद ही पैदल क्रॉस करते हैं। मेरे जैसे एशियन बेचारे कभी कभी गलती कर लेते हैं। तो ओवरऑल देखिए, अभी भी लोग यहाँ पर, मैं अकेले ही खड़े हूँ, तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कब जो है वो गुजरना है, ठीक है जी। अभी मैं दिखा रहा हूँ, मेरा वेट अभी वेट बता रही है, ये नीचे रेड है, ठीक है जी। जैसे अभी ये ग्रीन हो गया तो मैं ये देखे जी चल पड़ा, ये मेरा चलने का स्टाइल हो गया जी, आपको दिखा रहा हूँ कैसे। अभी अगला भी चूँकि ग्रीन है, ये देख सकते हैं, ये ग्रीन है और मैं यहाँ से भी चल सकता हूँ, ठीक है जी। और आगे जाके मुझे वेट करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि फिर जो है ये देखें इशारा ये मैंने किया जिसको अपना गुजरने का, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ ताकि जो है एक पासदारी हो। यहाँ पे अच्छी चीज़ें बनाई गई हैं कि जब गाड़ियों ने चलना है तो फिर उन्होंने चलना है, ठीक है जी, और जब पेडेस्ट्रियन ने चलना है तो फिर गाड़ियों ने रुकना है, तो अच्छी चीज़ को बिल्कुल दिखाना चाहिए। तो आज मैं ये विम्स रोड पर कुछ अफ्तारी का सामान लेने के लिए आया हूँ। विम्स रोड को ये करी माइल्स भी कहते हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं सारे, खैर मेरी बारिश तेज़ होगी फिर। करी माइल जो है ये मेरे बिल्कुल इसको बोलते हैं, यहाँ पे करी माइल से बना के खाने पीने की बहुत सी यहाँ पे होटल्स टेकअवेज बने हुए हैं, बड़ा मज़े का यानी कि यहाँ पे सारा कुछ मिल जाता है। तो देखते जाइए, और साथ में दबा तो मैंने दिया था, लेकिन फिर थोड़ा दबा देता हूँ ताकि मैं गुजर सकूँ। बारिश थोड़ी सी जनाब तेज़ हो गई है, तो यहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम जो है, मैं सर से कैमरे से बारिश डालूँ, प्रॉब्लम आपको पता ही है, यूके का वेदर और वर्क, ये इसका कोई एतबार नहीं होता, कभी पॉइंट आ जाता है वर्क भी और कभी बढ़ जाता है, और इसी तरह कभी कभार जो है ये मेरा ग्रीन हो गया है, तो वेदर का भी कोई पता नहीं होता। चलें जी, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह ताला बात होगी, क्योंकि इस वक्त मैं इफ्तारी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो कम रह गया है, इस वक्त यहाँ पर यूके में 5 और पाकिस्तान में रात के 10 बज रहे होंगे। बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा जी, ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह बात होगी, ओके जी, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा जी, क्योंकि दरमियान में बैटरी भी लोगों आ गया है, फिर मैं कहूँगा कि बैटरी को भी सारी बात है कि मेंटेन करना होता है, फिर इंशाल्लाह बात होगी जी, ओके जी, बाय बाय, खुदा हाफिज़।